रैली गर्ल्स प्रोटेस्ट की ओर से है और ये जो रैली हम लोग अभी यहाँ पर निकाल रहे हैं कि विगत ढाई महीने से जो भारत देश का एक अंग है, जो खूबसूरत राज्य है मणिपुर, और वहाँ पर जातीय समुदाय में जो हिंसा हो रही है और उस हिंसा में जो मुख्य केंद्र बिंदु बनती जा रही है वो नारी है। और नारी को अभी वर्तमान समय में राजनीति का राजनीति जो हो रही है वर्तमान समय में वो मुख्य रूप से नारी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। कहीं पर भी राजनीति होती है तो नारी की जो इज्जत होती है उसके साथ राजनीति होती है, और वहाँ पर जो समुदाय लड़ रहे हैं वे लोग भी लड़ाई में नारी को ही केंद्र बना करके एक दूसरे गुटों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पार्टी को वो लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और नारी बच्चों पर ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर गर्ल्स प्रोटेस्ट जो है हम लोग उनके विमेंस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे रैली कर रहे हैं और भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्लोगन्स चलते हैं और इस देश में सबसे अधिक अन्यत्र देशों की अपेक्षा भारत देश में सबसे अधिक दुष्कर्म होते हैं, यौन शोषण होते हैं और उनकी हत्याएं होती है, और सरकार नियम बनाते हैं, बनाते जरूर हैं नियम, लेकिन उस नियम को सरकार प्रतिपालन नहीं करते। गुटों में बटे रहने के कारण, पार्टी में रहने के कारण अपने दल के लोगों को बचा करके नारियों पर शोषण अत्याचार बढ़ते जा रहा है। यहाँ का नियम केवल पेपर और पेन में है। तो हम लोग यहाँ पर जो मणिपुर में नग्न करके महिलाओं को जो वहाँ पर घुमाया गया, ये पूरे भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष का स्थान जो पूरे विश्व में बनाया गया समस्त भारतवासियों को लेकर, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी बहनों को नग्न करके रोड में घुमाया गया, परेड में घुमाया गया, और ये कहा जा रहा है कि नारी की इज्जत उतर गई। मैं कहती हूँ कि नारी की इज्जत नहीं उतरी, पुरुषों ने अपनी इज्जत उतार दी और अपनी इज्जत उतारने के बाद नारियों की इज्जत उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी इतनी गंदी मानसिकता हो सकती है वैसे पुरुषों की इज्जत नहीं है। इसलिए बहनों ये ना समझो कि तुम्हारी इज्जत उतरी है, पुरुष समाज ने अपनी इज्जत स्वयं उतारी है। इतना नहीं है, सरकार के पास व्यवस्था भी है, सरकार के पास सत्ता भी है, सरकार के पास पावर भी है, लेकिन पावर कहीं ना कहीं पार्टी के कारण कहीं ना कहीं वो अपनी दलगत सुरक्षा और स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं वो जितना अंश जितना प्रभावशाली उनका जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। अच्छा, मणिपुर मामले में जो इसमें दोषी है उससे क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, किस तरह से हो? मणिपुर में जो दोषी है वहाँ पर दो गुटों की लड़ाई हो रही है, दोषी तो दोनों तरफ होंगे, तो हम दोषियों को सजा चाहते हैं। हम समुदाय से हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी दोषी है चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी दोषी हो उसे सजा दीजिए, और जो भारत में न्याय है उस पर विश्वास जनता कर सके, ऐसा प्रभावशाली निर्णय हो और कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई हो। मतलब सरकार इस मामले में पूरी तरह से वहाँ की विफल है? जी, वहाँ की राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल है और सक्रिय नहीं है, निष्क्रियता दिखाई देती है। ढाई महीने से वहाँ पर इतना मणिपुर हिंसा चल रही है, लेकिन उस पर जो होना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए वो उतना प्रभावशाली नहीं है। क्या मैं अवधुतिका आनंद, कल्याणमय आचार्य, गर्ल्स प्रॉपर्टी।